ड्रीम इलेवन मल्टी मैच फैंटेसी। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम इलेवन में एक बार फिर से मल्टी मैच फैंटेसी स्टार्ट हो चुका है। मल्टी मैच फैंटेसी होता क्या है और इसको किस प्रकार से खेला जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आइए सब कुछ आपको मैं इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। मल्टी मैच फैंटेसी में आप जब मैच लगाते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है और आपको उससे क्या कुछ आपको यहाँ से प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ता है या आपको टीम बनाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना होता है, वो सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लेना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक आसानी से मिलते रहें। सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पहला ही जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है मल्टी मैच फैंटेसी का। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मल्टी मैच फैंटेसी में मैच लगाना है तो यहाँ पे आप टॉप में देखिए, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं पर जाके आप मल्टी मैच फैंटेसी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है मल्टी मैच फैंटेसी के फ़ायदे और किस तरह से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा, कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया किक ऑफ मैच 5 to 8, 5 से 8 तारीख तक जो मैच है। दोस्तों यहाँ पे मल्टी मैच फैंटेसी में आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो रैंक है यहाँ पे दिखेंगे, जो पहला रैंक रहेगा वो यहाँ पे उनके विनिंग अमाउंट दिए गए हैं, दूसरे रैंक पे विनिंग अमाउंट है, तीसरे रैंक पे, मतलब यहाँ से आपके जो विनिंग अमाउंट है वो आपके जो रैंक हैं आपको एटलीस्ट 23,843 तक रैंक लाएंगे तभी आप जो है कुछ ना कुछ आपको जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा मैच जीतने पर। दोस्तों यहाँ पे जब ड्रीम इलेवन मल्टी मैच फैंटेसी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले में 4 मैच का ऑप्शन मिलेगा, 4 मैच का सेट रहेगा, एज मतलब 4 मैचों का एक ग्रुप रहेगा। उस 4 मैचों के लिए आपको टीम बनानी होगी, उसमें 4 मैचें यहाँ पे आपको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 मैच का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 4 मैच है ये, एक पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मैच न्यूजीलैंड नीदरलैंड और तीसरा मैच इंग्लैंड बांग्लादेश और चौथा मैच पाकिस्तान श्रीलंका। इन 4 मैचों के लिए आपको एक टीम बनानी होगी, अलग अलग जो टीम है उनके लिए अलग अलग आपको टीम बनाना है, अलग अलग जो मैच है उनके लिए आपको अलग अलग टीम बनाना है। उसके बाद एट द एंड मतलब लास्ट में आपको जो आपके पॉइंट रहेंगे वो टोटल पॉइंट कैलकुलेट करके अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप पर आते हैं तो आपको वहां से विनर घोषित कर दिया जाएगा। लीडर बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि आप लीडर बोर्ड में किस नंबर पर हैं, और जब टोटल ये 4 मैच कंप्लीट होंगे उसी के बाद ही आपका जो टोटल पॉइंट होगा कैलकुलेट होगा और उसके बाद आपको लीडर बोर्ड में रैंक दिया जाएगा कि आप लीडर बोर्ड में किस रैंक पे हैं। अगर आप टॉप रैंक पे हैं, जो यहाँ पे विनिंग इनके रैंक दिए गए हैं उस रैंक की लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ न कुछ विनिंग अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों जो पहला मैच है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है, आपको मल्टी मैच फैंटेसी के जो पहला सेट है ये, उसमें अगर मैच लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ज्वाइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे विकेट कीपर के ऑप्शन पे क्लिक है तो यहाँ पे विकेट कीपर आपको जो 4 मैचों का सेट है, 4 मैचों में जो टीमें हैं 4ों के विकेट कीपर यहाँ पर शो करेंगे, सारी टीमों के, इंडिया इंग्लैंड बांग्लादेश श्रीलंका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, सारे के प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक बार में सारे प्लेयर को सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि आपको सिर्फ 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो आपको सबसे पहले ये माइंड में ध्यान दे लेना है कि यहाँ पे आपको टॉप पे देखना है कि जो अपकमिंग मैच है वो किसका है। अपकमिंग मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर को यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच कम्प्लीट होता है उसके बाद जब अगला मैच स्टार्ट होगा वहाँ पर आप तुरंत अपने प्लेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पे प्लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया और से ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हमको सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से हम अपने टीम के जो प्लेयर हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सो यहाँ पे देखिए जो मैंने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो सिर्फ इंडिया और से ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर सेलेक्ट, क्योंकि जो अपकमिंग मैच है वो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन से प्लेयर को आपको सिलेक्ट करना है इस मल्टी मैच फैंटेसी में, आपको जो सब अपकमिंग मैच है उसी टीम के प्लेयर को सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ से आपको एंट्री फीस यहाँ से सबमिट कर देना है, उसके बाद आपका टीम ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ से आप उसके लीडर बोर्ड को भी देख सकते हैं, और अगर आपको प्लेयर ट्रांसफ़र के जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ, जो प्लेयर ट्रांसफ़र का जो ब्रेकअप है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्लेयर ट्रांसफ़र आर चेंजेस दैट यू मेक इन योर टीम बाय रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग प्लेयर विद न्यू प्लेयर्स बिफोर ईच मैच इन ए कॉन्टेस्ट। चेंजेस इन कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आर अनलिमिटेड वाइल मेकिंग प्लेयर ट्रांसफ़र।
तो मतलब आपके जो प्लेयर ट्रांसफ़र का जो रूल है, यहाँ पे आपको प्लेयर ट्रांसफ़र आप मैच को स्टार्ट होने से पहले कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्लेयर आपका नहीं खेल रहा है और आपके टीम में वो अवेलेबल है, आपके लिस्ट में वो अवेलेबल है, तो उस प्लेयर को उस प्लेयर से आपको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टी मैच फैंटेसी में मैच लगाकर एक जो सेट आपको मिलेगा उस मैच को आप कंप्लीट करने के बाद अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप पर आ जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा विनिंग अमाउंट मिलेगा।